1000 रुपए के बजट में अगर आपको कोई ब्रांड स्मार्ट वॉच देता हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसको परचेस करेंगे या स्किप करेंगे? तो मेरे मन में भी ये डाउट था जब मैंने पैबल की कार्बन स्मार्ट वॉच देखी 1000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, तो सोचा भाई क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी आप लोगों के लिए, और मंगा ली। बट ये था काफी बड़ा स्कैम जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे पूरा। तो वीडियो कंटिन्यू लाइन देख रही है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना ताकि आप अपने और अपने दोस्तों के पैसे बचा सकें। अगर आपको बेस्ट डील एंड ऑफर चाहिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। बिना किसी देर के करते हैं पैबल की कार्बन स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स। वो मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स की हुई है, बता दूं क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है। ऑन द टॉप आपको अपनी स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिल जाती है, इसको साइड में रखते हैं। उसके अलावा आपको एक टूल मिलता है जिसके यूज करके आप स्ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हैं। एक पोको पिन चार्जर एंड आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं आपकी स्मार्ट वॉच के लिए। तो इसको परचेस करने के लिए काफी कम बजट चाहिए, बट एक्चुअल में क्या ये अपने प्राइस को भी जस्टिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्ट क्वालिटी। तो यहां पे आपको अलॉय मेटल मिलता है, मतलब मेटलिक डायल एंड मेटलिक स्ट्रैप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि 1000 रुपीज में शायद ही कोई दूसरा ब्रांड आपको देता हो। तो ये तो काफी अच्छी चीज है। लुक में तो नो डाउट इट्स लुक रियली ऑसम, रियली गुड चीज। एक बार में तो आप भी धोखा खा जाएंगे, बट जब आप यहाँ पे मूव करते हैं इनसाइड द वॉच तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1.39 इंच का एक डिस्प्ले जो कि काफी बड़ा है। साथ ही 600 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल जाती है। HD डिस्प्ले है। जहां पे रेजोल्यूशन की मैं बात करूं यार तो मेरे को लाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं अदर वो जो 1500-2000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, तो उसके हिसाब से ना तो आइकन अच्छे थे ना ही यहाँ पे टेक्स्ट का जो स्टाइल लिया गया वो मेरे को पसंद आया। तो ये मेरे को दिक्कत लगी स्मार्ट वॉच में। अगर UI की मैं बात करता हूँ तो आप ऊपर से स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नीचे से स्क्रॉल करने के बाद आपको टॉगल्स मिल जाते हैं, देन आप अपने राइट में स्वैप कर सकते हैं एंड वहां पे आपको क्विक सेटिंग्स का या जो भी क्विक फंक्शंस होते हैं उनका ऑप्शन मिलता है। एंड लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आपको मेन मेन्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो आप स्क्रॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड लाइक जहां तक एक्सपीरियंस की बात है तो मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी। UI काफी ठीक काम कर रहा था, कोई डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वहां पे नहीं था, इट्स वर्किंग वेल। बट जहां तक आइकन्स की बात है या क्वालिटी की बात है और डिस्प्ले की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप इसको करते कनेक्ट एंड हराई फाइन करके एप्लीकेशन का नेम आपको मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लेना आईफोन पे या फिर आपके एंड्रॉइड फोन पे डाउनलोड करके आप कनेक्ट कर सकते अपने वॉच को। डिवाइस के सेक्शन मिलता है, डिवाइस में जाने के बाद आपके स्मार्ट वॉच के लिए आप सर्च करेंगे, कुछ परमिशंस वगैरह अलाउ करने के बाद इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जहां तक ऐप के इंटरफेस की बात है तो 4 मेन्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जो होम बटन है या होम पेज है वहां पे आपके स्टेप काउंट, आपका अदर कैलोरी रिलेटेड डेटा या फिर हेल्थ रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। देन डेटा में जाएंगे तो अगेन सेम डेटा आपको वहां पर भी देखने के लिए मिल जाता, बट डिटेल में थोड़ा सा। एक्सरसाइज मोड दिया गया जहां पे आप GPS ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड मी का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें स्मार्ट वॉच की रिमेनिंग सारी सेटिंग्स आ गई, चाहे वॉच फेस ले लो चाहे फिर आप कोई भी अदर ऑप्शन यहाँ पे देख लो। तो ये ऑप्शन मिलते हैं एप्लीकेशन में आपके। बट अगर हम वॉच पे दोबारा से मूव करें तो यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट मोड कॉल किया है जहां पे नंबर को डिफाइन नहीं है कि कितने स्पोर्ट मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम एक फिगर लें तो आपको 50-60 स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं IP67 की सर्टिफिकेशन के साथ, मतलब हल्का फुल्का पानी के स्प्लैश या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए इसको पानी में आप लेके जा सकते हैं, बट हाँ ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट मत करना। डस्ट रेजिस्टेंट भी ब्रांड यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ मॉनिटरिंग पे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मेजर सेंसर मिलते हैं, हार्ट रेट एंड SPO2, एंड वो हेल्थ का एक अलग से इन्होंने कॉलम बनाया तो वहां पे आपको फीचर मिल जाएंगे। बट एक्यूरेसी आप ना ही जाने तो अच्छा है भाई, क्योंकि जो सेंसर दिए गए हैं यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग सारी चीजें एडजस्ट करना है फिर देना पॉसिबल नहीं रहा, तो इन्होंने फेक सेंसर इंक्लूड किए, तो लाइक उसको आप नेगलेक्ट ही कर दो भाई, नहीं है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फायदा क्या चीज का। तो सेंसर बिल्कुल पैथेटिक है, चाहे आपका हार्ट रेट हो, SPO2 हो या फिर पेडोमीटर हो। उसके अलावा जो यहाँ पे रजिस्ट्री में एक वाला सेंसर है ना, वो भी आपका काम नहीं करता, मनमर्जी है, कभी करेगा तो दोनों तरफ से काम कर सकता है, कभी करेगा तो एक साइड भी काम नहीं करेगा अच्छे से। उसके बाद जो बेसिक चीजें हैं आपकी, लाइक आप डायल यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट सेव देख सकते हैं, लोग का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं मोस्टली, मैसेज तक आप देख सकते हैं भाई कि आपको मैसेज मिल रहा है, तो वो एडवांस चीज है एंड आप लोग के लिए अच्छा है। स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न, आपका स्टैंडर्ड रिमाइंडर, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, वेदर अपडेट, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं आपके स्मार्ट वॉच में। एंड अगर थोड़े से एडवांस फीचर की ओर मूव करें तो एक दो एडवांस फीचर भी दिया गया जिसमें आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा
एंड वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और फाइंड माय फोन भी आप उसके साथ ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। DND जैसी सर्विस के साथ पासवर्ड प्रोटेक्शन आप अपनी स्मार्ट वॉच में यूज कर सकते हैं। मेन्यू स्टाइल की बात करें, 5 मेन्यू स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आपके स्मार्ट वॉच में। तो यार आप बोलेंगे लाइक सारी चीज तो ऑलमोस्ट दी गई है, बट क्यों हमें ये परचेज नहीं करनी चाहिए? तो भाई सबसे बड़ा या सबसे मेन रीजन मैं बताता हूँ स्मार्ट वॉच को क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। आउटसाइड से चाहे कितनी एलिगेंट दिखती हो, कितनी अच्छी दिखती हो, बट इनसाइड वॉच लाइक कचरा भरा पड़ा है। आपको जो भी फीचर मिलते हैं वो यूजेबल नहीं है या फिर फीजेबल नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यार भाई इस बजट में क्लासिक वॉच ले लो, एटलीस्ट आपको बैटरी चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे क्राउन मिलता है जो कि आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली, एंड वर्क करता है काफी अच्छी तरह से। तो क्राउन को यूज करके आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वो फेस यहाँ पे चेंज कर पाएंगे एंड साथ साथ मेन्यू में भी स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वहां तक ये अच्छा है। पुश बटन दिया गया जो कि एज ए बैक बटन काम करता है, बट वो एक्चुअल में प्रेस नहीं होता है आपका इतनी अच्छी रूप से। और अगर आपको इसको कॉलिंग के लिए यूज करना है तो मैं तो यार रिकमेंड करूंगा नहीं आपको, बट स्टिल अगर आपको ये यूज करना है फॉर कॉलिंग, रिजल्ट ये है देख लीजिए, उसके बाद सोचिए कि यूज कर पाएंगे भी या नहीं। जैसे माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिल रही है, ये मिल रही है पैबल की कार्बन स्मार्ट वॉच से, एंड इसका माइक्रोफोन क्वालिटी आप कमेंट करके बता दीजिए, बिकॉज ये एक बजट ओरिएंटेड वॉच है, जस्ट 1000 रुपीज आपको कॉस्ट करेगी। मेटल फ्रेम देखने के लिए मिलता है एंड कुछ इस टाइप का इसका माइक्रोफोन है, डू लेट बनो अब तक क्वालिटी। सो गाइस आपने आउटडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस चेक कर लिया, एंड उसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे आप कॉल करना तो फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। कॉल एक्सेप्ट कर ली उसके बाद भाई आपको यहाँ पे डिक्लाइन करने का ही ऑप्शन आएगा, एंड इवन द फोन नंबर आपके फोन में सेव है बट नाम यहाँ पे नहीं दिखेगा अनटिल एंड अनलेस वो आपने ऐड नहीं किया आपकी लिस्ट में, तो नाम नहीं दिखेगा। और कॉलिंग एक्सपीरियंस यार पैथेटिक है ही, ऑब्वियसली आप कॉलिंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते इसको। हाँ इंडोर में थोड़ा सा लाइक काम चल सकता है, बट आउटडोर में तो सवाल ही नहीं है। रही बात है बैटरी बैकअप की, तो ब्रांड यहाँ पे 5 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम करता है विदाउट कॉल एंड 1 से 2 दिन का विद कॉल। तो मैंने इसको कॉलिंग के लिए यूज भी नहीं किया, ये मेरे पास कल आई थी, मैंने इसको जस्ट प्लेस करके छोड़ दिया। तो उसका जो स्टैंड बाई टाइम आप बोल लीजिए या फिर कोई भी टाइम बोल लीजिए, तो वो भी इसका बहुत बेकार है। 80% पे मैंने छोड़ी थी एंड आफ्टर 16 आवर बैटरी बची है यहाँ पे 20%, एंड उसमें मैंने सिंगल कॉल यूज किया वो भी टेस्ट के लिए, उसके अलावा कोई भी टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए। सो अब प्राइस इसका हो चुका है 1100 रुपए, मैंने 1000 रुपए में परचेज की थी, प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, एंड उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी मेरे को यहाँ पे कहीं भी जस्टिफाई करती हुई वैल्यू नहीं लगी। हाँ एक रीजन हो सकता है, अगर आपको चाहिए क्लासिक वॉच जैसे एक स्मार्ट वॉच भाई जहाँ पे आप टाइम देख सकें, थोड़ा सा शो कर सकें, बिकॉज आपके फ्रेंड वगैरह इनसाइड वॉच तो जाएंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए ठीक है, बाकी अगर आपको यूज करना पर्सनल यूज के लिए नहीं है तो भाई मत लो, मेरी तो यही सलाह है। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो के लिए था बस इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।